नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ जो कि दयाल सिंह कॉलेज के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशन दोनों के ही बेसिस पे होगी, और साथ ही जो हमारा पोस्ट है वो है प्रिंसिपल पोस्ट। गाइस आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है प्रिंसिपल, उनके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और वो ये है कि आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए, आप प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हो टोटल अपनी सर्विस या फिर 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें कि आपकी टीचिंग या फिर रिसर्च होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर किसी अदर हायर एजुकेशन में। साथ ही आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए किसी भी पीर रिव्यूड या फिर UGC लिस्टेड जर्नल्स में। और जो फोर्थ है वो है आपके पास मिनिमम 110 रिसर्च स्कोर होने चाहिए एज़ पर एनेक्सर 5। तो गाइज आप जब यहाँ नीचे आओगे, आप अटैचमेंट सेक्शन में यहाँ 3 अटैचमेंट्स देखते हो, हिंदी एडवर्टीजमेंट, इंग्लिश एडवर्टीजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइज ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंपनी अपने कैंडिडेट या फिर अपने एप्लीकेंट के लिए अपनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी ड्राफ्ट करती है जो एक कैंडिडेट को जानना चाहिए, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू जॉब्स या फिर एग्जामिनेशन, रूल्स रेगुलेशन, स्टेप्स, सब कुछ इसमें मैंशनड होती है। तो गाइज अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर आप ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर मस्ट है आपको चेक करना, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर चेक करें। और अगर आपको ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर इस अटैचमेंट सेक्शन से, यहाँ से जब आप डाउनलोड बटन पर प्रेस करते हो तो आप हमारे ऐसे एक आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 26 फरवरी 2022, यानी कि 26th February 2022, और जो हमारी स्टार्टिंग डेट है वो है 27 जनवरी 2022, यानी कि 27th January 2022। गाइज आपको मैं बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा ही होगी, और आप चाहो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये लिंक कहीं आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली हम मिस कर जाते हैं। पर अभी मैं आपको बता दूँ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको जिस वेब लिंक पर जाना है वो है rec3.du.ac.in। आप देख सकते हो ये यहाँ पे अंडरलाइन की गई है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। और साथ ही अगर आपको इस जॉब से या फिर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस या फिर ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको अगर नोटिफिकेशन या फिर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस वेबसाइट पे, जो कि इनके कॉलेज की वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हो। और वो जो वेबसाइट है वो है www.dsc.du.ac.in। गाइज इससे आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगी, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर से ज़रूर खोलकर देख ले। मिनिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो आप इन्हें देख ले अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पूरे जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो साथ ही मैं आपको बता दूँ, इसमें सिर्फ एक वैकेंसी निकली है और जो इंटरव्यू का भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। गाइज मैंने आपको इस पूरी जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी है। आप जब डाउनलोड करोगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो पॉइंट वाइज में काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स मेंशनड है, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चेयरमैन गवर्निंग बॉडी की भी यहाँ पे सिग्नेचर डाल रखी है, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। आप एक भी पॉइंट अगर मिस करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आपके साथ ना हो तो मेक श्योर कि आप सारे पॉइंट्स पढ़ें। और गाइज अगर आपको इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने में कुछ भी आपको कहीं पर डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब इस फोरम बटन को क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पे यहाँ पे आप नीचे एक राइट अ रिप्लाई का सेक्शन देखते हो। इस राइट अ रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपनी क्वेरीज या अपने डाउट्स कुछ भी लिखते हो तो वो हम तक आता है और हम आपको हेल्प कर और हम आपको सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो गाइज ये एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाई गई है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप इनके बेनिफिट्स लें। और मैं आपके हेल्प के लिए ये जो हमारे कम्युनिटी फोरम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ताकि अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़े आप एक टैप करके यहाँ पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। गाइज मैंने ऑलरेडी आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको सुनिश्चित की है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।